ने धर दबोचा। चारों आरोपियों के पास 40,000 नगद व 30 एटीएम कार्ड और एक देसी कट्टा बरामद किया गया। चारों आरोपी उत्तर प्रदेश कानपुर के बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की जानकारी व मुखबिर की सूचना से चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक ठगी की गई रकम का खुलासा पूछताछ में होगा। एटीएम से ठगी करने का एक गिरोह जो है पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। इसमें अभी जो चार आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनके विरुद्ध 401 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उनके पूछताछ में पाया गया है कि लगभग ये 35 से 40 एटीएम कार्ड का उपयोग करते थे और एटीएम मशीन में जा कर के फिर वहाँ सेंसर से कुछ ट्रिक करके वो पैसे निकाल लेते थे। वो खाते से उनके पैसे कटते नहीं थे और वो पैसे उनको मिल जाया करते थे, फिर उसको डबल से वो खातों में शिफ्ट करके और फिर यही प्रक्रिया दोहरा दोहरा के और ठगी करके पैसे निकाला करते थे। जैसे पूछताछ करके अब इनके जो खाते हैं जिन खातों का इन्होंने उपयोग किया है उसकी जानकारी ली जा रही है, उसके बाद उसमें जो आगामी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अभी हम ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे पूछताछ भी हुई है, साथ में जिन खातों का उपयोग कर रहे हैं, जिन मोबाइल नंबरों का उपयोग कर रहे हैं और कहाँ कहाँ इन्होंने क्या क्या कार्रवाइयाँ की हैं इसका भी हम पतासाजी का प्रयास कर रहे हैं। अभी ये बहुत जल्दी होगा कहना कि कितना इनने सही काम किया है, लेकिन विवेचना के बाद ये चीज़ें सामने आएंगी। सागर से खबर 24 की रिपोर्ट।